मंगलवार का एक जबरदस्त उपाय बता रही हूँ। मंगलवार के दिन अपनी नाभि पर ये चीज़ लगा लीजिए और चमत्कार देखिए। नाभि पर ये चीज़ लगाकर 3 बार आप शब्द बोलेंगे तो आपके हर काम बनते ही चले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज एक बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, गुलाब के पत्ते लेने हैं और गुलाब के पत्ते को पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट में थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला लीजिए और उसके बाद उसको आप अपनी नाभि पर लगाइए। नाभि पर लगाने के बाद में आप श्रीम आप बोलिए, श्रीम कम से कम 11 बार बोलिए और उसके बाद में आप 5 मिनट का मेडिटेशन करिए। उसमें माँ लक्ष्मी की इमेजिनेशन आप करिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं और आपके घर में धन से आपको सराबोर कर रही हैं। ये प्रयोग करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने लगेगा। दूसरा प्रयोग ये है कि जो लाल चंदन होता है उसको आप लीजिए, तांबे के बर्तन में लाल चंदन को घोल लीजिए और उसमें एक लाल पुष्प डालकर मंगलवार के दिन सूर्य भगवान को जल इसी चीज़ से चढ़ाइए। जल अर्पित करते समय भगवान सूर्य से अपनी जो भी बात आप मनवाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करिए, आपका वो काम बहुत ही जल्दी बनने लगेगा। तीसरा उपाय और बताती हूँ आपको। आपको थोड़े से चावल लेने हैं, उनको रोली से लाल कर लीजिए। उसके बाद शिव जी के मंदिर में जाइए और पार्वती जी के समक्ष वो चावल चढ़ा दीजिए, साथ में रोली, लाल पुष्प और लाल रंग की चूड़ियाँ भी चढ़ाइए। इसके बाद में जो मनोकामना आपकी है वो ज़रूर बोल दीजिए, पार्वती माँ जरूर आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करेंगी। जिनके घर में आए दिन क्लेश रहता है वो मंगलवार के दिन मसूर की दाल किसी ब्रह्मचारी को दान में देवें। इसके अलावा गुलगुले बनवाकर आप गरीबों में बंटवाइए तो आपकी हर समस्या दूर होने लगेगी।